NFIW की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण पर हुई चर्चा। महिलाओं ने कविताओं, डांस और म्यूजिकल धुन पर जमकर झूमी। हथरोई स्थित कुमारानंदन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर NFIW की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा सलाहकार केंद्र काउंसलर और रैकेट वे ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर फादर एंड मदर एंड चाइल्ड टीम मौजूद रही। इस मौके पर NFIW की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनीता चतुर्वेदी, राष्ट्रीय सचिव निशा सिद्धू और हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने महिला दिवस के मौके पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी और बदलते दौर में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और चर्चा की। सभी महिलाओं ने कविताओं, डांस और म्यूजिकल धुन पर जमकर झूमी। संयोजक ईशा शर्मा ने आए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और महिलाओं की सशक्ति पर उन्होंने अपना मोटिवेशनल स्पीच भी दिया। तो हमारा एक मीडिया वुमेंस ग्रुप बना हुआ था राजस्थान में। हम लोग कई बार मीटिंग बुलाते थे तो बहुत कम संख्या होती थी। हम ये थे कि देखो सारे दिन तो घूमते हो, जब हम मीटिंग बुलाते तो चार पांच महिलाएं आ पाती हैं। सबके किसी को छुट्टी नहीं मिलती, किसी को जो है तरह तरह के वो होते, लेकिन हम जितने भी मिलते थे जो भी चर्चा करते उसको हम आगे तक बढ़ाते, तो हमारी बात संख्या कम है कोई बात नहीं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। और मैं उससे पहले जब बोल रही थी कि हम बाकायदा अपनी भागीदारी और संगठनों के साथ और हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उनके साथ हम लोग निभाते रहें, लोगों को लाते रहें, तो ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं ईशा और मीनाक्षी दोनों को ही धन्यवाद दूंगी। मैं ऐसे तो आज मेरे कहना बहुत जरूरी, हमारे मीडिया वुमेंस ग्रुप की भी मीटिंग थी, मैं यहाँ आई भी थी, लेकिन जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें मैं आपको कुछ बता सकूं, कार्यक्रम 8 मार्च के बारे में मैंने आपको बताया कितने साल पहले शुरू हुआ, कितना संघर्ष के बाद हम आगे बढ़े, कितनी हमारी जो है लीडर्स ने इसके लिए संघर्ष किए, बलिदान दिए अपने, तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया। मुझे इस तरह की जो है ज्ञान को आदान प्रदान करना बहुत अच्छा लगता है, जो चर्चा हो संख्या में हो, हम दो भी होते तो भी चर्चा करते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक बार फिर पुनः आप लोगों को धन्यवाद। कल बड़ा जो एक कार्यक्रम शहीद स्मारक पर है, आप लोग और आएंगे सीखेंगे। और यहीं पे पास में खासकोटी होटल में हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी चलती है, उसके अंदर मैं उपाध्यक्ष बनी थी। और दरअसल पत्रकारिता में मैं इसलिए आई क्योंकि मैंने देखा मेरे अंदर एक लगन होती है कि मैं चीज़ों के अंदर किसी भी तरीके से इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाऊं कि मैं उसके अंदर कमांड जो है मैं इन कमांड रहूं, और मेरे पास बोलने के लिए प्लेटफॉर्म सिर्फ खुद के बारे में नहीं लेकिन जो मैं मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जो मेरे अराउंड में लोगों को देखती हूँ उनकी क्या बातें हैं, ये मैं दूसरों तक पहुँचा पाऊँ, ये मैंने पहले एक चीज़ सोची थी जब मैं पत्रकारिता के अंदर मैंने सोचा कि मैं शुरू करूँगी। आपके भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो मतलब काफ़ी बोलते होंगे बड़ा घर में, जब भी मतलब चटपट करते रहते होंगे, है ना, तो उन बच्चों को भी ज़रूरी है कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे जो वो घर में तो बस चटपट करते हैं लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे वो कुछ अच्छा बोलें, कुछ सीखें, कुछ थोड़ा दूसरे को भी सिखाएं। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों के पास प्लेटफॉर्म आए, तो इसलिए मैं भी थोड़े थोड़े स्कूल्स में जा कर के अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अंदर लोगों तक बात पहुँचाती थी। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक स्कूल में गई थी क्योंकि महिला दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले के बारे में बात करी, तो उनका जब हम बात सुनते हैं, इन दोनों बच्चों ने नाम सुना है क्या, सावित्री बाई फुले का सुना है,
सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख थी, उन दोनों महिलाओं ने उस जमाने में महिलाओं की पढ़ाई और महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। जिस जमाने में महिलाओं को प्रताड़ित करके रखते थे, उनको सती प्रथा के अंदर परेशान होना पड़ता था, है ना, उनकी जिंदगी चली जाती थी, उनका जो पूरा जीवन था पुरुषों के ऊपर निर्भर था और पुरुष जो थे वो उनके जीवन को कठपुतली की तरह संभाल रहे। तो उस जमाने में जब उन दोनों महिलाओं ने आवाज उठाई, सबके जिंदगी में कठिनाई आती है, उनके भी रास्ते में बहुत कठिनाई आई, लेकिन वो रुके नहीं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग जो काउंसलर्स हैं, ये लोग अपनी साइड से मेहनत करते हैं। आप जो महिलाएं हैं, आपको अपनी साइड से मेहनत करनी होगी। आप घर का काम और इन सारी चीज़ों में बहुत थक जाते होंगे, पूरा दिन काम करते रहते होंगे, समय नहीं मिल पाता होगा, लेकिन जो बच्चे हैं अगर उनकी तरबियत तालीम अच्छी होगी तो वो बेहतर दुनिया बना देंगे महिलाओं के लिए। तो ये काम जब हम महिलाओं को, आपको आपके जीवन में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, वो जॉब करने का अपॉर्चुनिटी या एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिल पाया है, तो कम से कम जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उन तक उस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर उन तक पहुंच गया और इसके अंदर ना चाहे जो पिता हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी के चाहे दोनों इक्वल भागीदार होंगे, लेकिन फिर भी जो माँ है ना उसके ऊपर ये ज़्यादा ही आती है जिम्मेदारी, क्योंकि जो पापा होते हैं वो कमाने चले जाते हैं। ये हमने सोसाइटी में देखा है, हम नहीं चाहते ऐसा चीज़ आगे हो। हम चाहते हैं जो बच्चियाँ हैं वो भी इक्वली कमाएं, खुद को संभाल पाएं, घर चला पाएं खुद का, उनको किसी पुरुष के नीचे दबके ना रहना पड़े। तुम दोनों किसी के नीचे दबके रहना चाहती हो? तो बस, है ना, इसके लिए जैसे ये दोनों बच्चियाँ हैं, इन दोनों बच्चियों के लिए मेहनत माँ को ही करनी पड़ेगी। पापा चाहे स्कूल फीस भर देंगे एक बार के लिए, लेकिन इनको मोटिवेटेड रखना, इनको आगे बढ़ाने के लिए रेगुलरली ऐसी चीज़ों में इनको पार्टिसिपेट करवाना, स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करवाना, या फिर कोई ऐसे जो प्रोग्राम करवाते हैं काउंसलर्स, कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते रहते होंगे, उसके अंदर बच्चों को पार्टिसिपेट करवाइए, जितना हो सके उतना करवाइए। कुछ छोटा कॉम्पिटिशन हो गया, कोई स्पीचेस हो गई, इन सब में जब ये पार्टिसिपेट करेंगे ना, ये अपने आप खुल जाएंगे। फिर आपको जितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना, इनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनका भी फ्यूचर बहुत अच्छा बने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं, जो महिला दिवस की हम बात कर रहे हैं, नारी शक्ति उन्होंने बोला है, तो आप अपनी शक्ति का उपयोग करिए, उसको नीचे मत दबाइए, किसी के नीचे दबने मत दीजिए। आपको संविधान ने इक्वल अधिकार दिए हैं, आप उस अधिकार को पूरा इस्तेमाल करिए। मेरा बस इतना ही कहना होगा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।